हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संपादक की हिंदी डिक्टेशन में। इसी तरह के डेली नए और सबसे पहले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। देश में रोजाना संक्रमण के मामले भले 50,000 से नीचे आ गए हों, लेकिन दूसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। महामारी से निपटने के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय मंत्री समूहों ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। फिलहाल राहत इतनी ही है कि संक्रमण फैलने की रफ्तार कम पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 5.5 लाख से ऊपर है। ऐसे में यह मानना कि खतरा कम पड़ गया है बड़ी भूल होगी। चिंता की बात तो यह है कि देश के 80 जिलों में संक्रमण की दर कम नहीं पड़ी है। ये जिले महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों के हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि ये जिले देश में संक्रमण फैलाने का फिर से बड़ा कारण बन सकते हैं। अब खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध हटा लिए हैं। महानगरों में मेट्रो सहित परिवहन के तमाम साधन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण कब कहाँ जोर पकड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत का संकट इसलिए भी ज्यादा विकट है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के डेल्टा प्लस रूप के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, वे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तक 12 राज्यों में 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि विषाणु का यह रूप संक्रमण फैलाने और मारक क्षमता में डेल्टा रूप से 8 गुना ज्यादा घातक है। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस विषाणु तीसरी लहर का कारण बना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ फिर से सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। मुश्किल यह भी है कि जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं, उनमें कितने लोगों तक यह संक्रमण फैल चुका होगा, इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस खतरे को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते राज्यों को परामर्श जारी किया था कि वे डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने को तैयार रहें। सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। जाहिर है अगर तीसरी लहर आई जैसा कि प्रबल आशंका है तो संकट कहीं ज्यादा विकराल रूप धारण कर जाएगा। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, भारत में अब तक 33 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मुश्किल यह है कि देश के पास टीकों का भारी अभाव है, इसलिए लोगों को टीकाकरण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कहने को 21 जून की टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू किया गया। उस दिन 25 लाख लोगों को टीका लगाने का दावा भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यह आंकड़ा बरकरार नहीं
रखा जा सका। तब से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब 80 लाख लोगों को टीका लगा हो। अभी यह भी पता नहीं है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस संक्रमण को रोकने में भारत में उपलब्ध देसी विदेशी टीके कितने प्रभावी हैं, लेकिन इतना दावा जरूर है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन्हें संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोर टीकाकरण पर है। इस वक्त कोरोना विषाणु में सैकड़ों बदलाव देखे जा चुके हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी टीके हैं उनका प्रभाव सामने आने में वक्त लगेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि टीकाकरण के बाद भी दोहरे मास्क और हाथ धोने सहित बचाव के सारे उपाय हों, तभी हम महामारी से जीत पाएंगे। जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ है और उसके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तब से वहां सक्रिय चरमपंथी संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई की वजह से पिछले एक साल में वहां आतंकी हमलों में काफी कमी आई है। पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली मदद और शह भी थम गई है। सीमा पर अब संघर्ष विराम का पालन किया जा रहा है, पर जैसे ही घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बुलावे को स्वीकार कर लिया, वैसे ही वहां की अलगाववादी ताकतें फिर से हरकत में आ गई। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को इसकी आशंका पहले से थी, इसलिए जिस दिन घाटी के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होनी थी उससे पहले ही वहां सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आतंकियों ने जम्मू हवाई अड्डे के पास वायु सेना परिसर में ड्रोन से बारूदी विस्फोट कर दिया। अभी तक उस घटना की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, पर लश्करे तैयबा पर शक जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी घटना की जांच कर रही है। इस घटना के एक दिन बाद ही एक विशेष पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर आतंकियों ने अधिकारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद भी सीमा पार से हमले की नियत से आए दो ड्रोन जम्मू के वायु सेना क्षेत्र में देखे गए। हालांकि इन घटनाओं के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब ऐसी आतंकी हरकतों की आशंका पहले से थी और सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए सतर्क थे, तब भी चरमपंथी अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? कैसे सुरक्षा उपकरणों को ड्रोन की भनक तक नहीं लग पाई? मगर जिस तरह आतंकी संगठन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते और भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा और चुनौती देने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, उसमें ये हमले करने में भी कामयाब हो गए। अभी घाटी से आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है और जो अब भी बचे खुचे हैं वे ऐसी हरकतें करके अपना वजूद जाहिर करते रहते हैं। पाकिस्तान भी बेशक संघर्ष विराम का पालन करता दिख रहा है, पर सीमा पर उधर के आतंकी घात
लगाए रखते हैं। उन्हीं ने ड्रोन हमला और विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या की। विशेष पुलिस अधिकारी दरअसल कश्मीर पुलिस के मुलाजिम नहीं होते, पर वे आतंकियों का सुराग जुटाने और उनके सफाए के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहायक होते हैं। स्वाभाविक ही ये अधिकारी आतंकियों की आंख की किरकिरी बने रहते हैं। जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था और वहां आज़ादी की मांग उठाने की संभावना बची हुई थी, तब तक दहशतगर्दों के लिए भी जमीन बची हुई थी। पाकिस्तान से भी उन्हें मदद मिलती थी, मगर अब पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी हालात से परेशान है और ऊपर से आतंकवाद रोकने को लेकर उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। इसलिए अब वह कश्मीर मसले पर पहले जैसा उग्र रुख अख्तियार नहीं करता। फिर घाटी में स्थानीय लोगों का समर्थन भी अब दहशतगर्दों को पहले जैसा नहीं मिल पाता। इस तरह स्वाभाविक ही उनमें हताशा दिखाई देने लगी है। अब उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह घाटी के राजनीतिक दल लोकतंत्र बहाली की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे अलगाववाद का मुद्दा ही कहीं हाशिए पर चला जाएगा। ये हमले उनकी इसी हताशा का नतीजा है। स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।